खबर डोईवाला से अवैध खनन पर तहसील प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। लोकजन न्यूज संवाददाता आशीष यादव की रिपोर्ट। डोईवाला की सोंग नदी जाखन और सुसवा नदी में अवैध खनन की शिकायत पर आज तहसील प्रशासन ने एसडीएम के नेतृत्व में खेरी गांव और सुसवा नदी में पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की, जहां खेरी में एक भंडारण में इकट्ठा की गई खनन सामग्री के कागज नहीं दिखाने पर खनन सामग्री और जेसीबी मशीन सीज की गई। तो वही सुसवा नदी में अवैध खनन की शिकायत पर जब प्रशासन की टीम नदी में पहुंची तो बड़े गड्ढे देखकर टीम भी हैरान रह गई। एसडीएम ने तहसीलदार और पटवारी से सभी गड्ढों की नपाई कराकर रिपोर्ट बनाने को कहा, जिसके बाद खनन माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी। खेरी गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन की कार्रवाई को जायज बताते हुए कहा कि अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर ट्रॉली से हर समय दुर्घटना का खतरा बना हुआ था, और जब हम इन ट्रैक्टर को रोकते थे तो ये माफिया हमें धमकी देते थे। यहाँ पे बहुत बुरा हाल कर दिया था इन्होंने, खनन वालों ने। ट्रैक्टर बहुत चल रहे थे और यहाँ डंपर वगैरह खड़े रहते थे, कोई आ रहे हैं बच्चे आ रहे हैं स्कूल से, उन्हें दिक्कत थी बहुत ज़्यादा। तो ये अवैध ही चल रहा है मुझे लग रहा है। तो आज ये कार्रवाई सही हो रही है? सही हो रही है। तो और ये जो ट्रैक्टर से खनन करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? सबके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि दुर्घटना का कारण कारण है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है जी, बिना रवन्ने से। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी सील भी लगाई है एसडीएम साहब ने, ये बिल्कुल अवैध काम था और अवैध ट्रैक्टर चल रहे हैं। अगर हम ट्रैक्टर वालों से कुछ बात करते हैं, कुछ बदतमीजी से पेश आते हैं, ये बिल्कुल सही कार्रवाई हुई है। पट्टा तो स्वीकृत है, पिछले साल 2022 में स्वीकृत हुआ है, वो पेपर दिखाया उन्होंने। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये रात को चला रहा है, और इसमें जब मैंने चेक किया तो इसके पास जो है जो रवन्ने हैं, कहाँ से माल ला रहा है, किसको बेच रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं। तो प्रथम दृष्टया तो हमें बिल्कुल जो है ये गलत तरीके से संचालित करता हुआ मिल रहा है। साथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पट्टा है और उस साइड भी माल किसी दूसरे खेत में भी डाला हुआ है। तो ये सब देखते हुए तुरंत सील कर दिया गया है, और इसका जो माल है इसकी नपत्ति करके इन्हीं की सुपुर्दगी में दिया जा रहा है, और इसकी चालान बना करके जिलाधिकारी महोदय को भेजा जा रहा है, ताकि जो है आगे की कार्रवाई की जा सके। अब एक खनन की गांव वाले शिकायत कर रहे हैं, तो इस पर बड़ी कार्रवाई होगी? अब मौखिक शिकायतें सब कर रहे हैं, कोई भी कोई लिखित नहीं देता है, और अब हम यहां पर आए हैं तो अब बोल रहे हैं। तो यदि ऐसा है, हम भी लोग निगरानी रख रहे हैं, पुलिस को भी निर्देश दिए हैं कि आप निगरानी रखें। साथ में जो मशीन है ये चूँकि अभी ये प्लांट के अंदर है, लेकिन इसको कब्जे में लिया जा रहा है, पूछताछ करने के बाद ही छोड़ा जाएगा कि क्यों थी यहाँ, जब यहाँ पर रवन्ने नहीं जारी किए रहे हैं, यहाँ पर माल कहाँ से आया ये बता नहीं पा रहे हैं, तो मशीन क्यों खड़ी। सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है, लेकिन उसका फुटेज जो है निकालने के लिए उनके पास अभी इनके। खबर अच्छी लगी हो तो लोकजन न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।